चलो तो फिर सुबह कोई गलत बात सुनेंगे ना, कुछ गलत करेंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग भाई, राम राम। कैसे हो? अच्छे होंगे। तो आप सभी को सुबह की राम राम मेरी से। और ब्लॉग स्टार्ट करूँ भाई, सब अच्छे हो गए होंगे। तो अभी हमारी घर भी चाय, तो अभी और इधर हमें सब्जी निकाल के रख दी। सब वही बनानी है, आलू गोभी मटर टमाटर की। तो चाय पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। अभी तो वही चाय बन के तैयार है। जी जी बिल्कुल, देख लेती हूँ। देखो उजाला हो गया है बिल्कुल। तो भाई पी लीजिए चाय। और जीजी पापा हमको दिए एक बाहर, और मैं हूँ घर में अभी तो अकेली। और देखती हूँ आज उठ कटवाऊंगी भाई सरसों, फिर कल जाऊंगी मैं भी कोटा। तो मैंने ना सब्जी में तो तड़का दे दिया है, और अब बनाऊंगी मैं रोटी। लेकिन मौसम आज कैसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश का, तो बाहर लेके चलती हूँ। अभी सब्जी में तड़का दिया था तो थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर हम बाहर खाना बनाएंगे रोटी। अब जाके थोड़ा थोड़ा उगार दे दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, पहले बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा था। तो अब बनाऊंगी मैं रोटी, सब्जी बना के आ गई, आग लगाऊंगी। और इधर हमारी जीजी तो खेत में जाने की तैयारी है दांतड़ा लेके तो मैं बना लेती रोटी। तो वही खाना बन के तैयार है, खाना खा लीजिए और हम भी खा लेते हैं, फिर खेत में जाएंगे सरसों काटने। तो वही अब जाके हम फ्री हो गए हैं, और बर्तन वर्तन साफ करके, और अब जा रहे हैं हम सरसों काटने सरसों के खेत में। सही है, काम का दीदी कोई बात ना यार। तो भाई मैं तो चल रही हूँ खेत में सरसों काटने, और हमारी जीजी पापा जी तो पहले ही चले गए थे, मैं रोटी बनाने लग गई। रोकी पिछली चार हो, रोटी खाने लग गई। तो भाई अब जाके आई हूँ, 9:15 हो चुके हैं, और देखती हूँ जीजी पापा जी भी काट रहे हैं। इस पुणे की सरसों तो हमारी कट चुकी है, तो अब जाएंगे हम घर के पास में उधर की तरफ में। तो अभी तो बहुत सारी सरसों खड़ी है, आज हमसे मुश्किल कटेगी, तो उधर जा रही हूँ गड़े को लेके चलते हैं। तो भाई अभी हम बैठ गए हैं यहाँ पे, ऐसी दिख रही है, और अभी तो और सिरसों काटेंगे। अरे बोले बाबा। तो वही अभी है ना दोपहर का समय हो चुका है, हम काफी देर से बैठे थे, तो देर बाद अब हम सरसों काटेंगे। और धूप भी देख सकते हो कड़ा कड़की पड़ रही है एकदम, लेकिन अभी हमें सरसों काटनी है तो हम लोग सरसों काटेंगे। भाई तो दोपहर के 2:45 का टाइम हो चुका है, और अब खा रही हूँ मैं रोटी, और जीजी ने इधर खा ली है, तो छाछ रखी है और रोटी ही। और लंबू दादा आया, जो लंबू दादा खाना खा लो, साफ पी लो। ये ले रहा है घर से छाछ रोटी। इधर जी जी बैठी है, और इधर की सरसों काट दी हमने, अभी तो और रह रही है कौन हमें। तो वही अभी है ना हमने इधर की सरसों काटी है, और अभी तो हली बहुत, मतलब बहुत सरसों काटी है काट बाकू तो, लेकिन हाली भी खड़ी है ये देखो। और काटा गया था ही मारना, दोनों थोड़ी बहुत काट काट ले। तो
चलो तो फिर सुबह काट लेना। तो भाई नहा धो के तो आ गई थी, तो भाई देख सकते हो नहा धो के आई थी, उसके बाद इधर जीजी ने कुट्टी भी कर दी। मैं बना रही थी, मैं खाना बनाऊंगी अपने लिए, फिर जिमने के लिए जाएंगे आज शाम को। अब इस टाइम पे जिम आए हमारे गांव में, तो मैं नहीं जाऊंगी, और इसलिए ना मैं अपने लिए थोड़ी सी खीर बना रही थी, लीची बन रही, और रोटी बनाऊंगी और एक रोटी रोटी के लिए। तो अभी मैं बना लेती हूँ। मैं ना अपने यश और नीतारा से बात कर लेती हूँ, वैसे तो मैं कल जाऊंगी कोटा, कल दिन में चली जाऊंगी, तो शाम तक पहुँचाऊँगी, तो इसलिए। और जी जी ऐसे बोल रहे थे कि हम तो जिमने के लिए जाएंगे, तो तू भी अपने लिए कुछ बना लेना। तो मुझे खीर की भी मन में आ रही थी, बहुत दिन हो गए खीर खाए, तो मैंने सोचा गांव में थोड़ा दूध भी सही रहता है, तो थोड़ी सी बना लेती हूँ इसलिए। तो भाई खाना वाना खा पी के अब कर रही हूँ सोने की तैयारी, वो सो जाते हैं। तो एक बात बताऊँ भाई आपको, ये अगर प्यार से इज्जत दे के बात करता है तो हम भी उनसे प्यार से इज्जत से ही बात करते हैं, अगर कोई इग्नोर करता है ना तो हम उनकी तरफ देखते तक नहीं। इसलिए यही है कि कोई अगर कोई पैसे के घमंड में चूर है तो कोई अपनी मस्ती में मस्त है। तो भाई हम तो भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ हम जैसे भी है ना, हमको हमेशा ऐसा ही रखना, हम खुश हैं अपनी लाइफ में। और कोई अगर रिश्ता रख के निभाएगा तो हम भी निभाएंगे, कोई नहीं निभाएगा तो हम भी नहीं निभाएंगे भाई, हमारा तो एक ही है। कोई चाहे कितना भी हो, अपनी मस्ती में मस्त रहो। महादेव बाबा से एक ही प्रार्थना करते हैं कि ना किसी की कभी कोई गलत बात सुनेंगे, ना कुछ गलत करेंगे, और ना गलत रास्ते जाएंगे, और अपनी मस्ती में हमेशा मस्त रहेंगे। कोई साथ देता है तो अच्छी बात है, कोई नहीं देता है तो मत दो, हमें ऐसे कोई वो नहीं है। और कोई हमसे रिश्ता रखना चाहता है तो रखो, नहीं रखना चाहता तो वो उसे बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट भाई, राम।